और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात ले निकलो, अलबत्ता फिरौनियों की तरफ से तुम्हारा ताकुब किया जाएगा। तो फिरौन ने शहरों में नतीब रवाना किए और कहा कि ये थोड़े से लोगों की जमात है और ये हमसे गुस्सा खा रहे हैं और हम सब इनसे खतरा रखते हैं। आखिर हमने उनको बाहों और चश्मों से निकाल दिया और खजानों और नफीस मकानात से उनके साथ हमने इसी तरह किया और इन चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। तो उन्होंने सूरज निकलते वक्त उनका ताकुब किया। फिर जब दोनों जमातें आमने सामने हुई तो मूसा के साथी कहने लगे कि हम तो पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता बताएगा। उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो, तो समंदर फट गया। सो हर एक टुकड़ा यूं हो गया कि गोया बड़ा पहाड़ है। और दूसरों यानी फिरौनियों को वहां हमने करीब कर दिया और मूसा और उनके साथ वालों को तो हमने बचा लिया। फिर दूसरों को हमने डुबो दिया। बेशक इस किस्से में निशानी है, लेकिन ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है।